आपको बता दें कि जिले भर में डेंगू से दर्जनों मौत और हजारों लोग बीमार हैं। पूरे मामलों में जहां हेल्थ महकमे का फेलियर सामने आया तो DPRO जाहिद हुसैन ने अधीनस्थ सफाई कर्मी और सचिव की सफाई के प्रति जिम्मेदारी तय करते हुए गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया है। आदेश में DPRO ने कहा है कि गांव में बीमारी और बीमारी से मौत हुई तो संबंधित सफाई कर्मी और सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DPRO की ये बड़ी पहल बीमारी रोकने में जहां कारगर हो सकती है, वहीं दूसरे रोग प्रभावित जिलों को नजर भी हो सकती है। अब देखना यह है कि आदेश का कितना पालन होता है। सर, जिस तरह से डेंगू मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, गांवों में लगातार संक्रमण फैल रहा है, तो उसको लेकर क्या आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी तैनात हैं, उनको ये निर्देश हैं कि वो नियमित रूप से गांव में जाएं और साफ सफाई करें। इसके अतिरिक्त संबंधित जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि सफाई कर्मी के साथ साथ आवश्यकतानुसार अन्य मजदूरों को लगाकर गांव की साफ सफाई कराएं, वहां पे फॉगिंग कराएं, एंटी लार्वा जो मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए प्रयोग होता है उसका प्रयोग करें, और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे, कहीं भी कोई जलभराव ना हो। लोगों को जागरूक करें कि साफ पानी भी कहीं पे इकट्ठा ना होने दें। लगातार देखा जा रहा है कि गांवों में जिस तरह से केस सामने आते जा रहे हैं और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, गांवों में गंदगी है, तो उसको लेकर क्या कुछ निर्देश हैं? देखिए, जहां पे गांव में अगर गंदगी पाई जाएगी तो वहां के संबंधित सफाई कर्मचारी और संबंधित सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यदि अस्वच्छता की वजह से किसी की मृत्यु होती है या कोई बीमार होता है तो संबंधित सफाई कर्मी और ग्राम पंचायत सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।